वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये स्केच हम लोग बनाने वाले चारकोल स्टिक्स है और यहाँ पर मेरे पास तीन टाइप के स्टिक्स है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो यहाँ पर स्टार्ट में कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल स्टिक्स से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके जो स्ट्रोक्स है ये बहुत ही पॉइंटेड रहते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट वाला हमारा चारकोल स्टिक है। उसी के जगह अगर हम लोग हार्ड वाला चारकोल स्टिक यूज़ करेंगे तो उसका टेक्स्चर रफ आएगा और उसमें हमें इतना शार्पनेस नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने हार्ड वाला चारकोल स्टिक यहाँ पर मैंने लिया है और हमें एक रफ सा टेक्सचर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास चारकोल का स्टिक्स है वैसे ही सिमिलर हमारे पास ग्रेफाइट के स्टिक्स भी आते हैं और ये जितने भी स्टिक्स रहते हैं ये यूजुअली जो बियर्ड और हेयर्स रहते हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। ये पूरे स्केच में मैंने बिल्कुल भी इरेजर यूज़ नहीं किया है इसलिए आप भी ध्यान देना। जैसे ही मैं हेयर्स के शेडिंग करता हूँ तो उसके बीच वाले जो कुछ गैप्स रहते हैं, वाइट स्पेसेस रहती है, वो आपको मेंटेन करना है ड्राइंग करते वक्त ताकि वो रियलिस्टिक दिखे। और जैसे हम हेयर्स का कर रहे हैं सिमिलरली हमें बियर्ड में भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।